हाल में हुए नगर परिषद के चुनाव के बाद नवनिर्वाचित चेयरपर्सन पूनम यादव की अध्यक्षता में हाउस की पहली बैठक की गई, जिसमें शहर के विभिन्न मुद्दों को पार्षदों ने सदन में उठाया और अधिकारियों ने उन पर जल्द काम करने का आश्वासन दिया। अधिकांश पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों में सफाई व्यवस्था, सीवरेज ब्लॉकेज, अतिक्रमण और स्ट्रीट लाइट्स की समस्या के समाधान की मांग की गई, जबकि पार्किंग व्यवस्था, बेसहारा पशु मुक्त शहर, सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक लाइट्स को दुरुस्त करने की मांग भी की गई, जिस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया है कि जल्द सभी कार्यों पर काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल की हकीकत ये है कि अतिक्रमण हटाने, पार्किंग व्यवस्था जैसी बड़ी समस्या से निजात दिलाने के लिए केवल वर्षों से बातें की जा रही है, लेकिन धरातल पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। वहीं ट्रैफिक लाइट्स डेढ़ दशक में दो बार लगाई जा चुकी है, दोनों बार नगर परिषद ने केवल जनता के पैसे को बर्बाद किया है और सीसीटीवी कैमरे भी 4 साल पहले शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए थे, जो कुछ समय चलने के बाद से ही बंद पड़े हैं। ऐसे में देखना होगा कि शहर की नई सरकार क्या सालों से चली आ रही इन समस्याओं से निजात दिला पाएगी। विकास के लिए, सफाई के लिए, लाइट के लिए, अपने टॉयलेट के लिए जो भी मुद्दे आए थे उन पे पूरा काम शुरू कर रहे हैं। और सौंदर्यकरण, अपने चौक के सौंदर्यकरण के लिए हाउस की पहली मीटिंग थी, कैसी रही? बहुत अच्छी रही। जो प्रमुख मुद्दे बैठक में उठाए गए उनमें सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग, छोटी गलियों में सीवरेज की सफाई के लिए छोटी गाड़ी का प्रबंध करना, बेसहारा पशुओं के लिए उचित इंतजाम करना, जिस पर वार्ड 20 के पार्षद ने कहा कि 80% पशु बेसहारा नहीं है बल्कि उनके मालिक है, इसलिए उन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं। स्ट्रीट लाइट्स समय पर रिपेयर ना होना, सभी लाइट्स चालू ना होना और B&R द्वारा जो भाड़ावास रोड स्थित अन्य स्थानों पर लाइट्स लगाई गई है उनको चालू कराने की मांग की गई, जिस पर ईओ ने बताया कि तकनीकी पहलुओं के कारण नगर परिषद उन लाइट्स को अपने हैंडओवर नहीं कर पा रही है, जिसके लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। सीवरेज ब्लॉकेज, सीवरेज के ढक्कन टूटे होने, मेन होल सड़क के लेवल में ना होने से सड़क हादसे होने की संभावना और इसके साथ साथ एक पार्षद ने सीवरेज के ढक्कन की गुणवत्ता बहुत खराब होने की बात कही। उन्होंने कहा कि सफाई करने के लिए जब ढक्कन को हटाया जाता है तभी ढक्कन टूट जाते हैं, इसलिए सीवरेज के ढक्कन की गुणवत्ता बेहतर की जाए। वहीं वार्ड 13 सदस्य ने कहा कि पब्लिक हेल्थ सीवरेज की सफाई करने के बाद कचरा नहीं उठाती, जिस पर ईओ ने कहा कि सीवरेज का कचरा उठाने की जिम्मेवारी पब्लिक हेल्थ की है और वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका चालान किया जाएगा। नगर परिषद में शिकायत पेटिका लगाने, शहर में नगर परिषद की जगह को चिन्हित करके उसे अपने कब्जे में लेकर उचित काम में लाए जाने की बात भी बैठक में कही गई। वार्ड 14 और 17 के वार्ड सदस्यों ने सप्लाई में पीने का पानी गंदा आने की समस्या से निजात दिलाने की मांग की और पानी की किल्लत होने पर शहर में लगे हैंडपंप को रिपेयर कराने की मांग की गई। इसके साथ ही बैठक में अहम मुद्दा शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर गरमाया रहा, जिस पर एक वार्ड सदस्य ने कहा कि नगर परिषद के कर्मचारी कूड़ा एकत्रित करके शहर की गलियों में डंप कर देते हैं, जिसके बाद वहां से कूड़ा उठाया जाता है, जिस पर नगर परिषद ईओ ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कानून 2016 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी खुले में कूड़ा नहीं फेंक सकता और कोई अगर कूड़ा फेंकता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है। मैं अशोर करना चाहता हूँ, जितने सदन में जो समस्याएं हैं, हाउस में जो रखी गई हैं, उनको प्रस्ताव को सरकार से अप्रूव करके बजट के अनुरूप काम कराए जाए। कुछ जो समस्याएं हैं सालों से वही समस्या चली आ रही, स्ट्रीट लाइट की हो, सीवरेज की हो, सफाई की हो, जो मुख्य सभी पार्षदों ने जो समस्या बताई है कुल मिलाकर एक ही है, चाहे से पार्किंग की व्यवस्था हो या सीसीटीवी की हो। सीसीटीवी पार्किंग की जो समस्या है उसको प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है, सफाई हमारा रूटीन काम है, उस पर हमने CSI को इंश्योर किया है, बाकी जो सफाई कर्मचारी में कमी थी उसके लिए आउटसोर्स की जो प्रक्रिया है, वर्क आउटसोर्स करने की, उसके तहत सर्वे कराया जा रहा है, उसको भी जल्द अमलीजामा पहनाया जाए। जो शहर के चौक चौराहे हुए अतिक्रमण की समस्या भी बढ़ी रही, उसके लिए हमने डिप्टी मजिस्ट्रेट मांगा है, अतिक्रमण के लिए जैसे मिलता है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतिक्रमण का कब्जा का टेकचंद जो मुद्दा आया था टेकचंद क्लब के लिए, उसके लिए हमने थाने में FIR के लिए हमने लिखा हुआ है SHO को और रिमाइंडर भी कल जारी किया जा चुका है और जो भी आगामी कार्रवाई होगी वो आपको बताई जाएगी। सर अभी तक FIR नहीं हो पाई है,
अम्बेडकर पार्क बना था वार्ड नंबर 25 में, वो नगर पालिका का जमीन है, लेकिन उस पर कब्जा किया जा रहा है। वो मैं अभी चेक करवाता हूँ, उसमें क्या इश्यू है सर? टैक्स क्लब के खिलाफ अभी तक FIR हो नहीं पाई। चलो मैं 5-6 दिन से बाहर था, FIR हुई है नहीं, हम उसकी कॉपी आज मंगाते हैं। क्योंकि जिस तरह सरकार का नुकसान वहाँ से उखाड़ दिया, लाइटों को उखाड़ दिया, डंपिंग स्टेशन उखाड़ दिया, तो क्या किस तरह आप उसमें FIR निश्चित तौर पे की जाएगी। तो अभी तक तो क्यों नहीं हो पाई सर? हमने अपनी तरफ से की हुई है, अब SHO से हमने टेक अपन किया हुआ है और कल SDM साहब को भी उन्होंने रिमाइंडर लिखा है। वो हमारे जो वार्ड पार्षद हैं उन्होंने असहमति जाहिर की है और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक ये था कि जो जैसे गैस पाइपलाइन डालने के लिए हो, किसी किसी काम के लिए जो सड़कें उखाड़ दी जाती है वो वैसे ही छोड़ दी जाती है, और उसके अलावा भी जो पब्लिक हेल्थ जो सीवरेज की सफाई करता है गंदगी वहाँ डाल देता है, तो उसमें आपने कहा कि शायद चालान उनके किए जाएंगे, उसके लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और पब्लिक हेल्थ से एक बार मीटिंग करके उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। एक बार जो CSC खुले हुए हैं ना, उन पे काम हो जाते हैं, ले देखे ना बाद, लेकिन लोगों को काम नहीं होते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, NOC तक कर देते हैं। नहीं, हम यहाँ भी हेल्प डेस्क बनवा रहे हैं उसके लिए, वो सदन में हमने रख दिया गया मुद्दा, हेल्प डेस्क बनवाई जाएगी और पब्लिक को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सर, रेड लाइट का सबसे पहले कहा था सोल्व करने का, रेड लाइट लगी हुई है चौक चौराहों पे, लेकिन वो चालू नहीं है, उसको चालू करवाया जाए। एक बेसहारे पशुओं की भी बात हो रही थी सर, क्या चीज़ें सर? बेसहारे पशुओं पे भी हमने मुद्दा रखा है और उनको हम लगातार रूटीन में पकड़वा भी रहे हैं और गौशाला में भिजवा भी रहे हैं और आगे भी जारी रहेगी। ये साहब शहर के चौराहों पे रोजाना हादसे हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए नगर परिषद की क्या रणनीति है? पुलिस डिपार्टमेंट से एक जल्दी बैठक बुलाई।